कार और आज हम खड़े हैं अमेरिकन एस के सामने जिसका नाम है जीप ग्रैंड चेरोकी 1993 में लॉन्च हुई थी और ये 2022 का फिफ्थ जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है लिमिटेड ओ जिसकी कीमत है एक्शोरूम सेवेंटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ आज तक 70 लाख से ज़्यादा ग्रैंड चेरोकी बिक चुकी हैं दुनिया में डब्ल्यू एल कोड ने मिस जनरेशन ग्रैंड चेरोकी का इसकी इंडिया और अमेरिका में असम्बली होती है यूनी बॉडी है अमेरिका की से लिया गया है इस कार का नाम फेमस कार डिज़ाइनर रेल्फ जाइल्स ने डिज़ाइन की है ग्रैंड चेरो की जिन्होंने क्राइसलर 300, हंड्रेड डॉज वाइपर एस और राम 1500 हंड्रेड पिकअप ट्रक भी डिज़ाइन किया था ये स्टेलांटिस्ट के जियर जियो प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर अल्फा रोमियो जूलियर स्टेलवियो और मजराटी ग्रह भी बने हैं इसी नाम से जीप चेरो की छोटी एस भी आती है बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्वाड्रा ट्रैक वन फोर बाय फोर सिस्टम है सेलेक्ट ट्रेन सिस्टम के अंदर चार ड्राइव मोड्स मिलेंगे सैंड मड स्नो ऑटो और स्पोट अकाउस्टिक लेमिनेटेड ग्लास हैं ये जीप की सबसे महंगी एस यूवी अभी इंडिया में क्रोम फिनिश है आगे और ये एलईडी फॉग लाइट। फ्रंट सेंसर्स। जीप के आइकॉनिक सेवन स्लॉट ग्रिल कैमरा वॉशर के साथ जीप का लोगो और ये है ऑटोमेटिक एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट डीआरएल और ऑटो हाई बीम के साथ बोनेट पर डिजाइन रेन सेंसिंग वाइपर्स से हैं सन रूफ है रूफ रेल्स हैं शार्क एंटेना, जीप का डिजाइन और यहां से बोलेंगे पेट्रोल कैपलेस फ्यूल फिलर ऑटो फोल्डिंग हीटेड आउटसाइड मिरर्स हैं, टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ ग्रैंड चरोकी की बैजिंग 4.9 मीटर लेंथ है 1.8 मीटर हाइट है 2100 केजी कर्व वेट है और 5.7 मीटर टर्निंग रेडियस है। शांत केबिन के लिए एक्टिव नॉइज कंट्रोल सिस्टम है सोलर कंट्रोल ग्लास हैं और ये हैं 20 इंच के टू टोन पॉलिश एलॉय व्हील आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं लाइट रियर डिस्क ब्रेक ये डायमंड ब्लैक कलर आप देख रहे हैं रेड और व्हाइट कलर का भी ऑप्शन है आगे और पीछे मल्टीलिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेंगे ऑल एल्युमिनियम आर्म्स और नकल्स हैं 3600 सिक्स हंड्रेड सीसी वी सिक्स फिफ्टी सेवन सीसी हैमी वी एट पेट्रोल इंजन्स और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स भी आते हैं ग्रैंड चेरोकी के बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये एल टेल लाइट हाई माउंट स्टॉप लैम्स बॉयलर रियर व्यू मिरर का कैमरा वॉशर रियर वाइपर डिजाइन है जीप का लोगो रियर कैमरा वॉशर के साथ लिमिटेड की बैजिंग फोर बाय फोर की बैजिंग रियर सेंसर्स हैं लाइट है क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट एल पाइप कार खरीदने पर आप जीप लाइफ ग्रुप मेंबर्स का भी हिस्सा बन जाएंगे इसका थर्ड रो वाला लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ग्रैंड चेरो की एल भी आता है बट वो अभी इंडिया नहीं लाया गया है ये लग्जरी और एडवेंचर का मिक्स है और यहाँ ग्रैंड चेरो की पाँचों जनरेशन्स दिखाई गई हैं ये टू डिज़ाइन ये 2011, ये 2005, ये 1999 और ये 1993 का डिज़ाइन एड के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन इमरजेंसी ब्रेकिंग क्रॉस पाथ डिटेक्शन पैसिव पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन फुल स्पीड फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एक्टिव ब्रेकिंग के साथ जो सामने वाली व्हीकल को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ब्रेक लगाएगा एक्टिव लेन मैनेजमेंट और इंटरसेक्शन कोलिजन असिस्ट जो क्रॉस रोड्स पे दूसरी व्हीकल्स को डिटेक्ट करेगा सेफ्टी के अंदर एट एयर बैग्स ए रेन ब्रेक सपोर्ट 360 डिग्री कैमरा पार्क सेंस आगे पीछे पार्क असिस्ट थेफ्ट अलार्म ब्रेक असिस्ट रेडी अलर्ट ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट फोर व्हील ट्रैक्शन कंट्रोल फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑफ रोड कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे स्मार्टफोन ऐप से आप कार के कई फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं जैसे स्टोलन व्हीकल असिस्टेंस डोर लॉक अनलॉक रिमोट हॉर्न लाइट व्हीकल फाइंडर ऑफ रोड पेजेस वैले अलर्ट स्पीड अलर्ट टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन व्हीकल इंफॉर्मेशन जियो फेंस एलेक्सा होम टू वाइकल असिस्टेंट वाइकल हेल्थ अलर्ट इमरजेंसी एसओ एस कॉल और बहुत कुछ अभी ग्रैंड चैलीग्र का सिर्फ एक ही मॉडल आता है इंडिया में लिमिटेड हो इसमें फोर बायर सिस्टम है स्टेलांटिस्ट के जियो जियो प्लेटफॉर्म पर बनी है ग्रैंड चरो की जिसपे अल्फा रोमियो की कार्स और मजरेटी की रसाले भी बनी है आइए बूट ओपन करके देखते हैं तो यहां आपको मिलेगी वन लीटर की बूट स्पेस हुक्स हैं स्पीकर तो थोड़ी स्पेस ट्रेल वोल्ट का पोर्ट बूट क्लोज करने का बटन स्पेयर व्हील और टूल किट यहां ऊपर लाइट दी गई है वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं यहाँ टच करते ही डोर क्लोज हो जाएगा नाइन स्पीकर्स का एल्पाइन साउंड सिस्टम मिलेगा ग्रैंड चेरोकी में सब वूफर के साथ बॉटल होल्डर काफी स्पेस स्पीकर यहाँ थोड़ी स्पेस डोर लॉकन लॉक करने का बटन पावर विंडो का बटन वुड ट्रिम मैनुअल सनशेड्स हैं और ये है कैपरी परफोरेटेड लेदर अपॉज्री पीछे हीटेड सीट्स मिलेंगे, एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग है सनरूफ है सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी आमरेस पे दो ग्लास होल्डर फोल्डेबल सीट्स हैं यूएसबी पोर्ट हीटेड सीट्स के बटन टू थर्टी वोल्ट का पोर्ट है दो ए सी थोड़ी स्पेस और ऐसा लगता है डैशबोर्ड पावर टिल्ट और टेलीस्कोपिक एक स्टेरिंग है मेमोरी फंक्शन के साथ रीडिंग लाइट हैंडल बार हुक है माइक है आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहां पर भी डोर पे नीचे काफी स्पेस दी गई है यहां पर भी स्पेस डोर लॉक एंड लॉक करने का बटन पावर विंडो के कंट्रोल्स, ओ आर के कंट्रोल दो मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं वुड फ्रेम बॉटल होल्डर फेमस जापानीज़ ऑडियो कंपनी है एल्पाइन टायर प्रेशन फॉर्मेशन ए वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं वेंटिलेशन और हीटिंग के साथ एडजस्टेबल हेड रेस्ट है लेदर अपॉलस्ट्री और ये हीटेड स्टेरिंग पैडल्स बोनेट खोलने का लीवर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक लाइट के कंट्रोल्स, एसी वेंट, आमरेस के अंदर थोड़ी स्पेस और इसके नीचे भी काफी स्पेस यहां दो ग्लास होल्डर ये एस्ट्रे कैन और ये है जेड का 8 एच पी टॉर्क फ्लाइट एट फिफ्टी आ रई एट स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटो होल्ड का बटन ये ड्राई मोड सेलेक्टर वायरलेस चार्जिंग ऑक्स और यूएसबी के पोर्ट एच पोर्ट ये क्लोज हो जाता है ये ट्वेल्व वोल्ट का पोर्ट और यह है डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी हीटेड स्टेरिंग हीटेड सीट्स वेंटिलेशन के हैं। और यह है यू कनेक्ट फाइव इंफरटेनमेंट सपोर्ट करेगा वायरलेस एपल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जीपीएस नेविगेशन ब्लूटूथ वॉइस कमांड ऑफ रोड इंफॉर्मेशन पेजेस एफ एम और रेडियो ये एसी के कंट्रोल्स नेविगेशन फोन वहकल सेटिंग्स, डोर लॉक, सीट कंफर्ट ब्रेक्स नेविगेशन कैमरा डिस्प्ले सेटिंग्स, ये डार्क थीम ये ऐप्स अलेक्सा ऑफ्रोड पेजेस डिवाइस मैनेजर वाईफाई हॉट स्पॉट फोन मीडिया और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक्टिव लेन मैनेजमेंट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एजार्ड लाइट पार्किंग सेंसर और पैसेंजर स्क्रीन ऑफ करने के बटन और ये थ्री सिक्स डिग्री कैमरा फ्रंट कैमरा डिस्प्ले रियर कैमरा डिस्प्ले और डिस्प्ले के लेआउट्स, कई सारी चीजें आप यहां से ऐड कर सकते हैं एंजन स्टार्ट स्टॉप बटन शानदार डैशबोर्ड की फिनिश टेन इंच का हेडअप डिस्प्ले पैसेंजर साइड स्क्रीन आइए पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स डोर पे स्पीकर लॉकेबल ग्लो बॉक्स है और ये है टेन पॉइंट टू फाइव इंच का पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल्स वायरलेस हेडफोन आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं एफएम रेडियो वीडियो आप देख सकते हैं इस पे यूएसबी के थ्रू कैमरा डिस्प्ले Rear view, front camera display, navigation devices, Bluetooth headphones, HDMI. ये पैसेंजर साइड वेटिव मिरर लाइट के साथ ऑटो डिमिंग डिजिटल डिस्प्ले रियर व्यू मिरर ये ऊपर का कैमरा दिखाएगा रीडिंग लाइट्स हैं सन होल्डर है और ये है डुअल पेन पैनारोमिक सनरूफ ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये है लेदर रैप स्टेरिंग ये फोन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल जीप का लोगो ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पैडल शिफ्टर वाइपर के कंट्रोल लाइट के कंट्रोल और इलेक्ट्रिक स्टेरिंग एडजस्टमेंट और ये है टेन पॉइंट टू फाइव इंच का टी एफ टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा गैस इंडिकेटर ड्राई मोड स्कूल एंड टेम्परेचर फ्यूल लेवल आरपीएम एवरेज स्पीड आउटसाइड टेम्परेचर कई इंफॉर्मेशन हेडअप डिस्प्ले सेटिंग्स ब्राइटनेस हाइट लेआउट्स एडवांस कस्टमाइज्ड, ये हेडअप डिस्प्ले आप देख सकते हैं डिजिटल स्पीड अब आ रही है काफी बड़ा हेडअप डिस्प्ले है मैं एक्टिव लेन मैनेजमेंट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ये स्पीडोमीटर एमपीएच के एम पी एच एवरेज dry modes snow auto sport sand mud your camera displays हाँ ये बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन तो ये है टू थाउजेंड सी सी इन लाइन फर्स्ट सिलेंडर डी ओ एस सी टर्बो चार्ज जी एम ई टी फोर पेट्रोल इंजन टू सिक्सटी एट हॉर्स पावर है फोर हंड्रेड एन एम टॉर्क है और ट्वेंटी का एवरेज मिलेगा एट्टी सेवन लीटर के फ्यूल टैंक से जीप टर्बो इंजन है ये तो कैसी लगी आपको जीप ग्रैंड चरो की हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू